आज चाय विथ राय में देव स्पोकन इंग्लिश के देव तीर्थ साहू जी हमारे बीच में हैं, जो यूथ के लिए एक आदर्श है। और देव तीर्थ साहू जी का मैं आज स्वागत करता हूं। नमस्ते देव तीर्थ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। देव सर, बगैर किसी इधर उधर की बातें किए, मुझे जहां तक जानकारी है कि आपने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग भी आपने इलेक्ट्रिकल में किया, और इंजीनियरिंग करने के बाद में आपने पूरी नौकरियों को, उस समय जबकि नौकरी आसानी से मिल जाया करती थी, आपने नौकरी छोड़ते हुए स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में अपना करियर बनाया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? कहानी तो लंबा है, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद काफी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल रहा था, और लकली मैंने तैयारी किया, सीएससीबी में मेरा सिलेक्शन हो गया, बट इंटरव्यू में थोड़ा सा कुछ इशू होने के कारण फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अंततः मैंने अपने आप को पाया कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। हर एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है सर, तो मैंने पाया कि सर मेरे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो मेरे साथ एक समस्या है सर कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, मैं या तो किसी के ऊपर काम करूंगा या साथ में। तो समझ में आया कि नौकरी के लिए मैं नहीं बना। तो फिर मुझे क्लिक किया कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, कि मैं अपने जीवन में मेरा क्या पैशन है। तो मेरा पैशन था सर टीचिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर देखिए, भगवान माता सरस्वती जैसे बोलते ना कि कोई सिंगिंग सीख नहीं सकता, ठीक उसी तरह से टीचिंग एक क्वालिटी होती है जो किसी किसी इंसान को वरदान में प्राप्त होता है। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट किया सर, और बड़ा ताजुब की बात मैं बताऊं, बड़ा चौंकाने वाला, कि मैं शुरुआत में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता था। हाँ, जहां तक जानकारी मुझे थी कि आप शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे जी, और वहां से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या ऐसी सोच आई जहां से आप स्पोकन इंग्लिश, बड़ा ही कुछ दिलचस्प है, आप वो बताएं। सर हुआ यूं कि एक दिन मैं पढ़ाने के बाद अपने घर पे बैठा था, और मेरे भाई के कुछ मित्र लोग आए, बात कुछ बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते वो जो चर्चा था वो थोड़ा सा हीट कन्वर्सेशन में पड़ गया, और वहां से थप्पड़ कसा गया कि यार ये हिंदी मीडियम वाले गंवार लोग, इनकी औकात क्या है कि अंग्रेजी बोल पाए। अब हम सब ठेठ हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुम हिंदी मीडियम वालों की कुछ औकात नहीं होती कि तुम अंग्रेजी बोल पाओ। सर वो दिन था जो एकदम दिल पे बात चुभ गया कि हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी नहीं बोल सकते। मैंने उसी दिन प्रण ले लिया कि भैया इस इंसान को तो मैं जवाब दूंगा, इसको लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, इसको तो मैं बोल के दिखाऊंगा, और अपने शहर में, अपने राज्य में से हजारों बच्चे पैदा कर दूंगा कि वो उनके सामने जाके इंग्लिश बोल पाए। तो वो 2003 का दिन है, और आज का दिन है, वही प्रण लेकर आज भी मैं काम कर रहा हूँ। कभी उसके घर के सामने से गुजर जाता हूँ तो हॉर्न जरूर बजा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि देख लो, आज कम से कम 10,000 से 20,000 बच्चों को तो हमने ऑफलाइन अंग्रेजी सिखा दिया, और यूट्यूब के माध्यम से हमने लाखों बच्चों को सिखा दिया। तो वो एक जी मतलब ईगो को हर्ट कर गया, और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हर्ट हुआ, और सही भी है, ठीक है, उनका कहना भी सही था। तो वो चीज वहां से हट हुआ, और वो जर्नी आज भी चल रहा है सर। क्या बात है, मतलब अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं। ये अगर सीखना है तो देव तीर्थ साहू जी से सीखिए कि बुरा लगे तो ऐसा नहीं है कि उसे हमें बुरा मानना है, बल्कि प्रूफ करना है। आपने प्रूफ किया, और आपने एक बुक भी लिखी, माइंड योर इंग्लिश, तो उस बुक के बारे में बताएं, ताकि कुछ बच्चे अगर जो लेना चाहें या खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं। सर माइंड योर इंग्लिश बुक जो है सर, मेरी तपस्या है, कुछ 15-16 साल की जो तपस्या मैंने किया है। होता क्या है कि सर, इंसान जो है लोगों की बुलंदियों को तो देखता है, लेकिन उनके जद्दोजहद और उनके स्ट्रगल को नहीं देखता। लोगों को क्या लगता है कि ये 3 फुट का जो हैंडपम्प है उसको ऐसा ऐसा करने से पानी आता है। लोग भूल जाते हैं कि 3 फुट के उस हैंडपम्प से पानी नहीं आ रहा है, नीचे 300 फीट का पाइप लगा हुआ है, उसको लोग भूल जाते हैं। तो ये जो किताब मैंने लिखा है सर, ये 16-17 साल का निचोड़ है, और यकीन जानिए सर, अंग्रेजी शब्द या अंग्रेजी भाषा या लैंग्वेज का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि हमको कठिन लगता है। और कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सर स्कूल समय से ही हमें बताया गया कि इंग्लिश एक हवा है, मतलब एक बग बियर है, एक बगबू है, लाइक ना, तो मन में एक बैठा हुआ है। तो इस किताब में मैंने सर इतना सरल भाषा और इतने आसान तरीके से अंग्रेजी सिखाने का तरीका मैंने लिखा हुआ है, युक्ति मैंने बताया हुआ है, और आप यकीन नहीं जानेंगे सर, ज्यादातर ग्रामर को मैंने कहानियों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है। इससे दो फायदा होता है कि एक तो जो अंग्रेजी हमको कठिन लग रहा है
वो आसान हो जाता है और दूसरा रुचिकर हो जाता है, पढ़ने में आनंद आता है, क्योंकि इंसान कहानियों को सुनना हमेशा पसंद करता है। तो उसके माध्यम से फिर मैंने चीजों को समझाया, वोकैबुलरी को भी अलग तरीके से, प्लस जो बच्चों के खासकर जो सवाल होते हैं कि भाई वोकैबुलरी कैसे याद करे, स्पेलिंग कैसे ठीक करे, मार्क्स कैसे अच्छा लाए, तो एक अलग से चैप्टर मैंने उसके अंदर ऐड किया हुआ है। कुछ 25-30 क्वेश्चन जो बच्चों के कॉमन कॉमन होते हैं उसका सटीक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समाधान करने का तरीका मैंने उसमें बताया। क्या बात जी। हाँ, तो ये किताब आज के डेट में आपका आशीर्वाद और माता सरस्वती के आशीर्वाद से ये बेस्ट सेलर में है सर, ये किताब है। बहुत ही बढ़िया। गागर में सागर भरने की बात आपने की है कि छोटी सी चीजों में बहुत सारी चीजें आपने डालने की कोशिश की है। देवतीर्थ साहू जी, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के टीचर नहीं होते तो क्या होते? दूसरा रुझान आपका क्या है? अब बड़ा चौंकाने वाला आंसर दूंगा सर, मैं अगर टीचर नहीं होता तो मैं एक बदमाश गुंडा या फिल्टर होता। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है, शिक्षक के अंदर जो चीजें हैं आप बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चों तक परोसते हैं, बच्चों तक समझाते हैं। देवतीर्थ जी, शायद ये अंदर का जो जज्बा रहा होगा या जो बात आप बता रहे हैं कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो थोड़ा सा मैं बदमाश किस्म का होता, शायद यही रीजन रहा होगा कि आप दुर्ग जेल में कैदियों को लगभग 11 महीने तक आपने इंग्लिश सिखाई है। तो वो एक अनुभव बताएं कि जेल में कैदियों को इंग्लिश सिखाना, ये अपने आप में एक अनोखा अनूठा अनुभव भी होगा और ये प्रयास भी है। तो ये कैसे शुरू हुआ और क्या आपके दिमाग में था? देखिए सर, एक अच्छे टीचर की या शिक्षक की परिभाषा क्या है? अगर हम बोलते कि भाई ये शिक्षक अच्छा है तो नो डाउट सर, एक अच्छे शिक्षक के पास ज्ञान का भंडार होना आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बड़ा एप्लीकेबल है कि उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को आप डिलीवर कैसे करते हो। जब तक बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये गुरुजी मुझे बहुत अच्छा समझाता है, भले उनकी नॉलेज कैसी भी हो कोई मतलब नहीं, ये समझाते बड़े अच्छे हैं। और शिक्षक कब अच्छा समझाएगा? जब उसके पास एक्सपीरियंस गेन हो जाए। अलग अलग तरीके से जब एक्सपीरियंस गेन करता है तो वो शिक्षक निखर के आता है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बिल्कुल शुक्रगुजार रहूंगा कि मुझे मौका मिला सेंट्रल जेल दुर्ग में पढ़ाने का। और आप यकीन जानिए सर, ये इंडिया का एक लौता और अनोखा प्रोग्राम रहा। देखिए जेल में अनेक प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ कंप्यूटर सिखाने की बात है, लकड़ी का काम है, चटाई बुनना वगैरह, दुनिया जानती है। अंग्रेजी सीखना, क्योंकि अंग्रेजी आज के डेट में सर बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कैदी जब बाहर निकलेगा उसे भी एक आम जिंदगी जीने का हक है, तो उसको भी पता चलता है कि भी अंग्रेजी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो वह वहां पर मुझे मौका मिला सर, और यकीन जाने इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि अलग ही प्रकार का एटमोसफियर है सर। उनके पास ना कॉपी है, ना किताब है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट। उसके बावजूद भी लोगों का जज्बा था सीखने का, क्योंकि सर आए हैं, अपने से आए हैं, फ्री में हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो जी जान लगा देते थे। और यकीन जानिए सर, बीबीसी तक में इसका कवरेज हुआ और कई ऐसे लोग थे जो पांचवी फेल थे या पढ़ाई छोड़े हुए कई समय बीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। तो एक अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस रहा और बड़ा मजेदार रहा, और वो मेरे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता वो एक्सपीरियंस। अब मुझे अपने ऑफलाइन क्लास और जब मैं यूट्यूब क्लास में लेता हूँ तो शायद अब बच्चों को वो पढ़ाने का मेरा टेक्निक ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहां से हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। क्या बात है। यानी आपका कहना यह है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, परिस्थितियों की वजह से भले विपरीत परिस्थिति में है, सीखने की चाहत हो तो देवतीर्थ जी उसको इंग्लिश जरूर सिखा देंगे, इंग्लिश बोलना जरूर बता देंगे। ऐसा कोई कठिन परिस्थिति जिस समय आप जब थोड़ा परेशान होते हैं या थोड़ा लो फील करते हैं तो आप कैसे उससे बाहर निकलते? मैं जब परेशान होता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ या मुझे लगता है कि यहाँ पर और गुंजाइश है क्या, मैं हमेशा एक युक्ति अपनाता हूँ सर। मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरी लाश जा रही है, मेरी लाश जा रही है, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे पीछे कितने लोग रोने के लिए आ रहे हैं। जब मुझे लगता है कि लोगों की संख्या ठीक ठाक है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि अगर संख्या कम हो रही है, कि इंसान के औकात में सर अवार्ड से होता है ना किसी से होता है। आज के डेट में अगर आप दुनिया से गुजर जाए तो कितने लोग आपको पूछेंगे, कितने लोग याद करेंगे, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। जैसे बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई तो लाखों करोड़ों की संख्या पूरा मुंबई में उमड़ पड़ा, पूरी टीवी। तो एक ये बताता है, शहीद कौशल जी जब हमारे सैनिक शहीद होकर आए तो वो जो भीड़ उमड़ा, इंसान के औकात आए हुए शव यात्रा में संख्या बताती है। तो मैं हमेशा आग बंद करके यही सोचता हूँ
कि कितने लोग आएंगे, अगर संख्या कम हो गई तो लगता है कि यार और मेहनत करना है और अच्छा करना है। और मेरी आदत है सर, मैं अपने दुश्मन, वैसे तो मैं किसी को दुश्मन मानता नहीं, मुझे जहां से भी कुछ नया सीखने का प्रयास मतलब तो मुझे मौका मिलता है मैं सीख लेता हूँ। किसी ने कैसा कपड़ा पहना, किसी का बोलने का स्टाइल, किसी का टेक्नोलॉजी, किसी का बुक, किसी का कुछ और, तो मैं हमेशा अपने आप को अपडेट करता हूँ। मेरे लिए एक ही इंसान है जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज देता है, मैं खुद, कि मैं कैसे अपने आप को हरा पाऊं। एक देव सर जो पिछले 17 साल से पढ़ा रहा है, आने वाले 6 महीने में मैं और क्या बेहतर कर पाऊं, इससे कैसे बेहतर कर पाऊं, तो ये मेरा प्रयास रहता है सर। तो जब भी मैं निराश परेशान होता हूं तो मैं खुद को बड़ा चैलेंज देता हूं। बहुत ही बढ़िया। सबसे कुछ कुछ लेने की आदत रखने वाले देवतीर्थ साहू जी, इंग्लिश में एक खूबसूरत नाम बनाने वाले देवतीर्थ साहू जी, साथ में ये भी इनडायरेक्टली रूप से आप सभी बच्चों को और यूथ को और बड़ों को भी ये टच कर रहे हैं कि अपना एक बायोडाटा और तैयार करो, जब आप निकलो यहां से तो अंतिम समय का वो बायोडाटा हो, वो तैयार करने की सीख देने वाले देवतीर्थ साहू जी। मलेशिया कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया गया और मलेशिया कॉन्फ्रेंस में आपने भिलाई को रिप्रेजेंट किया, भिलाई को एक ओहदा दिलाया, वहां का कुछ खट्टा मीठा अनुभव अगर आप बताएं तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। सर 2011 की शायद बात है, मलेशिया में लैंगकॉम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन KIKIA कुआलमपुर इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग रहा, फॉरगेटन सर, बहुत 10 साल पुरानी बात है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस कराया था, इंडिया से हम 2 लोग सिलेक्शन हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ था। एक मिश्रा जी जो है वो BHU के वहाँ प्रोफेसर थे, वो थे और मैं था, हम दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट किए। कुछ 180 लोग वहाँ पे उपस्थित थे, कुछ 80 से 90 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा और सबसे कम एज का मैं वहाँ पर था। मेरे मन में काफी सारे सवाल थे अंग्रेजी के, वो मैंने पूछा, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर के आंसर कम मिले, तो एक चीज समझ में आया। और दूसरी बात कि जब हम बाकी लोगों को देखे तो एक चीज तो समझ में आ गया कि बॉस भारत का अंग्रेजी, भारत की एजुकेशन पद्धति और भारत के बच्चे टॉप पर है। उनका इंग्लिश का लेवल हमने देखा, उनके पढ़ाने के जो टेक्निक है उनको हमने देखा, तो हम पाए कि हम बेहतर हैं। इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी की एक बात याद आती है कि भाई हम बहुत सारे कारगर लोगों को, कारपेंटर प्लम्बर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, IT सेक्टर वालों को एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई ताजुब नहीं होगा, ये मोदी जी की कथन है कि आने वाले समय में हम टीचर्स एक्सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के पढ़ाने का और पढ़ने का शिक्षा पद्धति जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो वहां से फिर हमने चीजों को जाना है कि भाई धूल दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहावने होते हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में इंग्लैंड वालों को ही सबसे अच्छा है या अमेरिका का वर्चस्व बहुत अच्छा है या न्यूजीलैंड, नहीं, इंडिया जितना अच्छा इंग्लिश हम बोलते हैं, जितना अच्छा ग्रामर वोकैबुलरी हम लगाते हैं और कोई दुनिया के लोग नहीं लगाते हैं। देवतीर्थ जी, इस कोरोना काल में शिक्षकों को आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षक जो है अपने आप को बड़ा पिछली लाइन में महसूस कर रहा है कि लाइन की अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, ऐसा उसको फील हो रहा है, तो इस बारे में, इस कोरोना काल में शिक्षकों को दिया जाने वाला सम्मान, और आप एक शिक्षक हो तो उस नाते समझते भी होंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर शिक्षक किसी भी सम्मान का मोहताज नहीं है। आप किसी का करियर बना देते हो सर, आप उसके लिए भगवान हो। आप सर, मैं जहां तक आपको जानता हूँ सर, 25 से 28 साल से आप पढ़ा रहे हैं, आपने अगर दिल से किसी को मतलब किसी का करियर बना दिया तो आप मान के चलिए कि सर आप उनके लिए भगवान से भी बढ़कर। जब तक एक शिक्षक किसी के लिए अच्छा कर रहा है, सरकार आए बदले क्या होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बशर्ते यह है कि टीचर को भी सांप की तरह होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, सांप की एक क्वालिटी है कि सर हर 6 महीने में अपना केचली उतार देता है और नया एक स्किन अपने शरीर पर ले आता है। मैं हमेशा बाकी शिक्षकों से पूछता हूँ कि आप आखिरी बार सांप कब बने थे और केचली कब उतारे थे। क्योंकि समय टेक्नोलॉजी का है सर, समय डिजिटलाइजेशन का है, और इससे अगर टीचर अपने आप को नहीं जोड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो पिछड़ जाएगा। आप ये देखिए सर, विदेशों में बाकी जो टीचर है अपने आप को कितना अपडेट कर डाले हैं, हम क्या अपडेट कर पाए। आप अपने आप को अपडेट किए सर, देखिए हम लाइव क्लासेस या लाइव हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूँ, और इसको दुनिया देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो भिलाई शहर के नहीं है। ये क्या है सर, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हमको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। आपने किताब लिखा सर, बहुत शानदार किताब, लेकिन अब समय आ गया है कि उस हार्ड बुक को ई बुक में भी कन्वर्ट किया जाए, उस ई बुक को ऑडियो बुक में भी कन्वर्ट किया जाए,
हम सर किसी जमाने पे सर पेड़ के नीचे शिक्षक जो है एक बोर्ड लगा के चौक से पढ़ाता था, अब हम सर व्हाइट बोर्ड और मार्कर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं सर। उसके बाद अब सर प्रोजेक्टर आया सर, उसके बाद अब डिजिटल बोर्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साइंस जो है वो टीचिंग टीचिंग को नहीं बदल रहा सर, टीचिंग के पैटर्न को बदल रहा है। तो उससे हमको अपने आप को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, नहीं तो जो आप बोले ना सर आखिरी पायदान में हम हैं, इसके पीछे कारण किसका है सर? कारण सिंपल, हम खुद हैं सर। हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा सर। व्यापारी अपने आप को अपडेट कर लिए सर, सारे लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं सर, हम क्यों अपने आप को अपडेट ना करें? क्योंकि बच्चे तो डिमांड कर रहे हैं, वो तो मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप से भी पढ़ना चाहते हैं, तो दीजिए सर उनको वो सर्विस। देवतीर्थ साहू जी, परिवर्तन को खूबसूरत तरीके से स्वीकार करने वाले और परिवर्तन के साथ में शिक्षक की कड़ी को जोड़ने की इच्छा रखने वाले कि शिक्षक भी अपने आप को परिवर्तित करें, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। देवतीर्थ साहू जी, आपको फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरो ऐसा है जो प्रभावित करता है, और करता है तो क्यों? मैं अक्षय कुमार को सर अपना रोल मॉडल मानता हूँ। वो इंसान सर मेरे ख्याल से उसकी उम्र अभी 55 साल तो होगा कम से कम, लेकिन उसके बावजूद भी इतना फिट है। और मुझे जानकारी मिली कि वो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, और मुझे ये भी जानकारी मिली कि वो शराब सिगरेट इवन नॉनवेज का भी शायद खाना नहीं खाते। तो वो एक इंसान जो जज्बे के साथ काम कर रहा है और अपने करियर को बड़ा प्रोफेशनली लिया हुआ है। और अक्सर आप ये देखिए कि उनके पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें फूहड़ता कम मिलेगा, पुन्ना के बराबर मिलेगा। ज्यादातर मोटिवेशनल या देशभक्ति वाली मूवी, जैसे मैंने केसरी देखा सर, तो इस प्रकार के वो मूवी पे काम करता, जैसे बैडमैन भी मैंने देखा सर। तो वो इंसान सर कहीं ना कहीं एक समाज के लिए और अपने देश के प्रति जो जज्बा दिखा रहा है और एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि 55 साल की उम्र में भी आप इतने फिट रह सकते हो। मुझे भी पता चला है कि शायद उनको डायबिटीज की बीमारी भी है, शायद शुगर है या पता नहीं, उसके बावजूद भी अपने आप को इतना फिट रखे हुए। तो वो इंसान मुझे प्रेरित करता। मेरा रिकॉर्ड है लास्ट 10 साल से फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जब भी उनकी मूवी रिलीज होती मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो उसकी मूवी यानी देखता ही। शिक्षक भी मूवी देखता है, बिल्कुल शिक्षक देखता भी ही है है सर। ना। है, हीरोइन की अगर बात करें तो कौन सी हीरोइन आपको पसंद है? सर इंडिया में तो सर किसी जमाने पे काजोल अच्छी लगती थी, बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। पुराने में अगर कैथरीन जीता जोन है, कैमरून डियाज है, ये सब हॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस अच्छी लग जाती है। बट अभी तक अभी अभी आजकल ये अपनी क्या नाम है, ये कंगना रनौत, वो काफी मुझे अच्छी लगती है। एक्टिंग भी बहुत शानदार कर रही है और देश के लिए भी, और ऐसे मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को भी उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रही है, तो वो भी मुझे प्रेरित कर। आप जब टीचिंग की दुनिया में कदम रखे होंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें आई होंगी, तो ऐसे कौन लोग और आपकी जिंदगी में जुड़े जिन्होंने आपके इस काम को मोटिवेट किया, और ऐसे कौन लोग जुड़े जो इस काम को बोले कि इंजीनियरिंग करके ये क्या कर रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो? तो नाम मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या? स्वाभाविक से बात है सर, ये 2002-03 की बात है। उस समय मुझे नहीं लगता है कि कोई अंग्रेजी सिखाने वाले ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट एक पैजी सब हुआ करते थे। आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े प्रेरणा के वो स्रोत हैं। तो उस समय स्पोकन इंग्लिश के क्लास डालना, मतलब ऐसा था कि मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई इंजीनियरिंग करने के बाद वो कुकिंग क्लास खोल दे, आज के डेट में लोग हंसेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया सर 74% की डिग्री। उस समय गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग लगाना मजाक नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, कुल मिला के 2355 सीट हुआ करती थी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला के। इतना सीट तो अकेले आज रुंगटा या शंकरा लेके बैठा हुआ है। उस समय इंजीनियरिंग करके आना और ये कहना कि अब मैं इंग्लिश का क्लास डालूंगा, तो सबसे पहले तो मेरे पिताजी 2 दिन तक खाना ही नहीं खा पाए कि कर क्या रहा है। फिर सारे लोग, मतलब हर लोग, इवन स्टूडेंट भी आके बोलते थे कि अरे सर आप इंजीनियरिंग करने के बाद स्पोकन इंग्लिश डालो। एक ही इंसान जो थी मेरे जीवन पे जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, वो मेरी माता जी। माता जी ने कहा बेटा तेरे को जो चाहिए, तेरे को जो मन का आता है कर, कोई तकलीफ नहीं है। तो माता जी के अलावा दुनिया के हर इंसान ने मुझे एक बार जरूर टोका यार इंजीनियरिंग करने के बाद ये क्या कर। और उस समय सर ऐसा कोई करियर दिखता नहीं था। आज अगर कोई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सीए अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करे तो बोले अच्छा करियर का आप चुनाव करो, क्योंकि ऑलरेडी एक माइलस्टोन सेट है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तैयार हैं और देख रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। उस समय इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं सर, बट फिर भी हमने स्टार्ट किया। माता जी का सपोर्ट, माता जी का सपोर्ट आ गया तो फिर तो हम दुनिया से लड़ लिए सर। फिर बाकी तो फिर तो हर चीज छोटा है, जिनके साथ माँ का आशीर्वाद है तो फिर तो खत्म है ना सर। फिर तो टेंशन माँ नहीं।
माँ आखिर माँ होती है, माँ ने अपने बच्चे की पसंदगी का ज्यादा ध्यान रखा, खास तौर से कि बच्चे को क्या पसंद है वो उसको करने दिया जाए। आप यूथ को क्या संदेश दोगे, आज के यूथ को क्या बताओगे? वैसे भी ये कोरोना काल चल रहा है, सेकंड वेव आ गए हैं, बड़ा परेशानी का समय चल रहा है, तो आप क्या यूथ को अपने एजुकेशन को लेकर क्या संदेश दोगे? मैं तो यूथ को हमेशा ये बोलता हूँ, सब चीज जायज है बशर्ते आपके पास करियर हो। अगर आपके पास करियर है तो कोई उंगली नहीं उठा के पूछ सकता। तो इंसान की जो औकात है सर, वो उसके करियर से, जैसे कि अक्सर हम लोग पूछते थे और मैं अपने प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ, जैसे कि हम लोग मैं पूछता हूँ कि आपने कभी जिंदगी में पेन खरीदा क्या, जैसे कभी कॉपी खरीदा था, कभी चेयर खरीदे? नहीं, हम लोग कभी भी पेन नहीं खरीदते, चेयर नहीं खरीदते, बुक नहीं खरीदते। हम लोग हमेशा अच्छा पेन खरीदते हैं सर, अच्छा किताब खरीदते हैं, अच्छा शर्ट खरीदते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग इंसानों को पसंद नहीं करते, हम लोग हमेशा अच्छे इंसानों को पसंद करते हैं। और अच्छे इंसान का मतलब है जिसके पास करियर है। तो स्टूडेंट और या यंग यूथ को मैं यही बोलूंगा, भाई सब कुछ कीजिए, सब कोई तकलीफ नहीं, आपके पास करियर होना चाहिए, आप करियर पहले बना लो। क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिशन का जमाना है सर, आपको ज्यादा चांसेस मिलेगा नहीं। तो आप सही समय पर सही डिसीजन लेके करियर बना लेते हो, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, उसके बाद जो करना आप कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है भाई। बट लेकिन क्या हो रहा है, हम सब कुछ को छोड़ दे रहे हैं, करियर को सबसे किनारे कर दिए, उसके बाद हम लोग हर चीज कर रहे हैं। तो ये जायज नहीं है। करियर बना लीजिए, करियर पे फोकस कीजिए, करियर से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर हम बात करें कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी, तो आप किसके पक्षधर हो? तो दोनों के पक्षधर हूं सर। आप पूछ रहे हो कि आम खाने से ज्यादा मजा आएगा या अमरूद खाने से? सर दोनों के अपने अपने टेस्ट हैं सर, दोनों के अपने अपने फ्लेवर हैं। ऑफलाइन की अपनी खूबी है और ऑनलाइन की अपनी खूबी है। तो ये दोनों पैरेलल चलेगा, कभी जिंदगी में दोनों खत्म नहीं हो सकते। क्या बात है, बैठाना पड़ेगा आपको। क्योंकि ऑनलाइन में कुछ फायदे हैं कि सर, जैसे आप भिलाई में हैं और कोई बच्चा दिल्ली में है, वो आपकी क्लास लेना चाहता, कोई बैंगलोर से, कोई यूएस से, कतर से, कुवैत से, ऑनलाइन क्लास ले सकता है, ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। बट तकलीफ ये होता है कि ऑनलाइन सब ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन में वो फीलिंग्स नहीं आ पाएगी और कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगा जो हम ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में हम फिजिकल एक्टिविटीज करके ऑन द स्पॉट उसकी कॉपी को पकड़ के वो कर सकते हैं, रेगुलरिटीज ला सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करके हम बढ़िया अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टेज के एक्टिविटीज हमको करवाना पड़ता है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन की कई तकलीफ ये है कि सर, हर आदमी आजकल मोबाइल हो, लैपटॉप हो, अच्छा इंटरनेट हो, ये भी समस्या है। क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है, 70% लोग गांव में रहते हैं सर, तो गांव में कितना अच्छा नेटवर्क मिलेगा, कितना अच्छा मोबाइल वो चला पाएगा, ये भी है। चलाकी और बदमाशी भी ऑनलाइन में बहुत हो जाता है। अपने अपने ब्यूटी है सर, और अपने अपने इसमें अगलीनेस भी है, तो वो दोनों को सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा। कोई 40% ऑफलाइन चलाएगा, 60% ऑनलाइन चलाएगा, हो सकता है कोई 60% ऑफलाइन चलाए, कोई 40% ऑनलाइन चलाए, बट दोनों में आपको कमांड रखना पड़ेगा सर। क्या बात है, दोनों के पक्षधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों की अपनी जरूरतें हैं। इन बातों को लेकर के देवतीर्थ साहू जी आगे बढ़ते हैं। देवतीर्थ साहू जी, आप अगर 2-3-4 लोग ऐसे नाम लेने हो जो आपके प्रेरणा स्रोत हो या जिनको देख करके आप सीखते हो, तो ऐसे 2-4-5 नाम आपकी जुबान पे कौन से होंगे? एक तो माता जी है सर, नो डाउट, इसमें तो कोई बहस है, बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरा मेरे नाना जी जो मेरे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, उनके मुंह से मैंने कभी नकारात्मक शब्द नहीं सुना अपने जीवन काल में। किसी जमाने पे मजदूर हुआ करते थे और जब वो मरे तो 100-150 एकड़ जमीन छोड़ कर गए, और उनका हमेशा कहना था कि जो मुट्ठी बांध के रहेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुट्ठी खोलिए, दान कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। आप भरे मन से अगर दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपको बहुत मिलेगा। और मैं जब भी अपने गांव जाता था तो मैं देखता था कि हमारे घर में, नाना के घर पे 5-7 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनता था। मुझे कभी समझ में नहीं आया, फिर पता चला कि कोई ना कोई गरीब आदमी खा के जाता था, तो वो गरीब की दुआ उनको लगी, तो वो एक प्रेरणा स्रोत है। और तीसरा, मैं ओशो को बड़ा मानता हूँ, भगवान श्री रजनीश ओशो का मैं फॉलोअर हूँ, तो वो मन की शांति के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मैं उनके बुक्स और ऑडियो सुनता हूँ। देवतीर्थ साहू जी के साथ ये चर्चा रही, इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी, इस बात की परवाह नहीं की कि किसे क्या अच्छा लगेगा, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, उस अंदाज में कथनी और करनी के डिफरेंस को इन्होंने कम किया, और जो जैसा सोचते हैं वैसा बेबाकी से इन्होंने चर्चा के दौरान की। फिर अगले शनिवार मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक नमस्ते, अलविदा देवतीर्थ।